हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की न्यू वीडियो के अंदर मैं आपको फार्मर बॉय फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। एंड मैं बहुत ही दिनों से कोई कॉमसेट के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, एंड आप लोगों का भी कमेंट आ रहा था कि भाई कोई वीडियो लेकर आओ कोई कॉमसेट के ऊपर। तो फाइनली वीडियो आ चुका है, बस आप लोगों का प्यार इसी वीडियो के अंदर मिलना चाहिए। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ही मत बोलना। तो चलिए आज की इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बैकग्राउंड को डाउनलोड कर दीजिए एंड ओपन करते हैं पिक्सेट एप्लीकेशन के अंदर। ओके, देन आप लोगों ने आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर। यस, आप लोगों ने एक पीएनजी मिलेगा, बार्स का एक आप लोगों को पीएनजी दे दूंगा। तो सिंपल से जाकर आप लोगों ने वो पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो पीएनजी यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड स्काई के ऊपर इसको ऐड करेंगे। ओके, देन डन करके बैक आना होगा। तो आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा ब्लॉर इफेक्ट को देना होगा। तो आप लोगों ने टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोगों ने इस टाइप का ब्लॉर अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए और इसका अमाउंट का आप लोगों ने रखना होगा 9 में रखे आप लोगों ने डन करके बैक आना होगा। ओके, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा टाइम वेट करना होगा। ओके, देन यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना, डन करके बैक आने के बाद आप लोगों ने आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर फिर से। एंड यहाँ पर आप लोगों ने आपका मॉडल को ऐसे ऐड करना होगा। ओके, तो आप लोगों को बैकग्राउंड को रिमूव करना आते तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड को रिमूव करना नहीं आता तो कोई बात नहीं गाइस, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ एंड वो वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो एक बार आप लोगों ने जाकर वो वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो मैंने अपने मॉडल को ऐड कर दिया एंड आप लोगों ने इसको सही तरीके से इसको एडजस्ट करना होगा, एकदम अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिए। एंड आप लोगों ने अपने फोटो के मुताबिक से थोड़ा बहुत ब्राइटनेस को हल्का से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ये आपके फोटो के हिसाब से आप लोगों ने करना होगा। मैंने अपने फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमारा जो फोटो है ना, ये थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा है तो मैंने इसका लाइटिंग को थोड़ा सा यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों ने इस पर करके आप लोग डन करके बैक आना होगा। ओके, देन इसके बाद आप लोगों ने फिर से आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर, यहाँ पर एक और पीएनजी को ऐड करना होगा, गाय का एक पीएनजी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने अपने गाय वाले पीएनजी के ऊपर इसको ऐड कर दिया। ओके, देन इसके आप लोगों ने क्या करना है, इसको रोटेट कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप लोगों ने बगल में इसको रखना होगा गाय का पीएनजी को। तो थोड़ा सा इसको गाय का पीएनजी को थोड़ा सा स्मॉल करना होगा, ज्यादा नहीं बड़ा नहीं करना होगा, थोड़ा सा स्मॉल करके आप लोगों ने पर इसको ऐड कर दीजिए एकदम अच्छे तरीके से। ओके, देन डन करके आप लोगों ने बैक आना होगा, बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, फिर से आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक और पीएनजी मिलेगा, पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन ये फार्मर का रिलेटेड कुछ पीएनजी आप लोगों को मिलेगा। तो जाकर आप लोगों ने ये वाली पीएनजी को ऐड कर दीजिए एंड मुझे कमेंट में बताएगी ये वाली पीएनजी को हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, तो मुझे हिंदी थोड़ा नहीं आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ एंड ये बार ज़्यादातर लोगों ने ओडिया से बात करते हैं। ओके, तो मुझे थोड़ा बहुत हिंदी आ जाता है, तो पता करके आप लोगों ने इसको बताया कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, एंड मैंने ये वाली पीएनजी को कुछ स्टेप के इसको इरेज कर दिया, आप लोगों ने स्टेप को इरेज करके डन कर दीजिए। ओके, देन इसके बाद आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एक ग्रास का पीएनजी भी आप लोगों को दे दूंगा नीचे ऐड करने के लिए, क्योंकि गैस नीचे जो एरिया दिख रहा है वो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। ओके, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करूँगा ना, वो पीएनजी को ऊपर इसको अप्लाई करना होगा फोटो के ऊपर। तो मैं मॉडल के नीचे शैडो भी नहीं दिया था, तो ये पीएनजी को इसको कवर कर देगा। ओके, तो आप लोगों ने क्या करूँगा ना, इसका जो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस को इसको हल्का से यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, सैचुरेशन को मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने बैकग्राउंड का कलर के हिसाब से आप लोगों ने ये वाली कलर को इसको मैच कर दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको सही तरीके से मैच कर रहा हूँ। ओके, ये मैच हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। देन आप लोगों ने इसको एक और डुप्लीकेट कर दीजिए। ओके, एंड डुप्लीकेट पीएनजी को आप लोगों ने क्या करना है, बगल में आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो बहुत ही ऑसम सा लग रहा है, आप लोगों ने देख सकते हो गाइस, एकदम रियल सा लुक दे रहा है। तो आप लोगों ने कुछ टाइप का पीएनजी के ऊपर ऐड करने के बाद आप लोगों ने आना होगा फिर से आर्ट फोटो के ऊपर। तो बहुत ढूंढने में आप लोगों को पीएनजी मिल जाएगा,
ओके तो मुझे मिला है, आप लोगों को कोई ढूंढने के लिए जरूरत नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने इसको डाउनलोड अभी करोगे तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर क्या करना ऐड कर दीजिए एंड इसका ब्लेंडिंग मोड को आप लोगों ने चेंज करके इसको स्क्रीन में रख दीजिए ओके एंड यस आप लोगों ने कुछ टाइप को इसको ऐसे इसको एडजस्ट करके यहाँ पर इरेज के ऊपर आना होगा। अपने फेस के ऊपर थोड़ा बहुत लाइटिंग आ रहा है तो इसको यहाँ पर इरेज कर दीजिए ओके तो पार्टिकल्स का कुछ पेंज आप लोगों को फेस के ऊपर आ जाएगा तो सिंपल से इसको इरेज कर दीजिए और इसका ऑपोजिट को हल्का से डाउन करके यहाँ पर डन करके बैक आना होगा। तो फोटो एडिटिंग का सबका काम यहाँ पर हो चुका है, सभी पेंज मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, बस आप लोगों ने इसको सेव कर दीजिए एक बार एंड ओपन करना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर की लाइटरूम के अंदर हम गए फोटो को लेकर तो आप लोगों ने आना होगा एंड ऐसे आप लोगों ने क्या करना ना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा, इसलिए आप लोगों ने इस वाले टूल के ऊपर क्लिक करके इसका जो पहले नंबर में जो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा इसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका कॉन्ट्रास्ट को हल्का से प्लस करेंगे, हाइलाइट को मैंने थोड़ा सा माइनस करूँगा, शैडो को स्टेप का प्लस करके यहाँ पर इसका व्हाइट को माइनस कर दीजिए, ब्लैक को भी थोड़ा सा डाउन कर दीजिए ओके। देन आप लोगों ने यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन को बनाना होगा, वाइब्रेशन को इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीजिंग करेंगे और इसका जो टेम्परेचर होगा आप लोगों ने थोड़ा सा स्टेप का प्लस कर दीजिए करीबन 3 के आसपास। देन मिक्स वाले टूल पर क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पर इसका जो रेड कलर को आप लोगों ने इसका ह्यू को थोड़ा सा स्टेप का डाउन कर दीजिए। देन आप लोगों ने आना होगा ऑरेंज वाले कलर के ऊपर, सैचुरेशन को आप लोगों ने यहाँ पर ना थोड़ा सा प्लस रखेंगे और इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा प्लस करके यहाँ पर ह्यू को आप लोगों ने फोटो को मुताबिक से रखना होगा ओके। देन आप लोगों ने येलो वाले कलर के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर येलो है तो इसका कलर का आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको कमा सकते हो बढ़ा सकते हो आपके फोटो के हिसाब से करना होगा। तो मैंने कुछ टाइप के इसको रख दिया आप लोगों ने देख सकते हो तो मुझे ये वाली टोन यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देन आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना ग्रीन वाले कलर पर आना होगा, इसका ग्रीन कलर को आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको हल्का से इसको एडजस्ट कर सकते हो ओके। तो आप लोगों ने ब्लू वाले कलर को थोड़ा बहुत पर इसको एडजस्ट कर दीजिए। देन आप लोग डन करके बैक आना होगा इफेक्ट के अंदर टेक्सचर को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले काम होता है आप लोगों ने टेक्सचर को बढ़ाना होगा ओके और इसका क्लैरिटी को हल्का से प्लस रखेंगे और इसका जो बैकग्राउंड का आप लोगों ने थोड़ा सा स्टेप का डाउन कर दीजिए करीबन 10 के आसपास। देन ट्रायंगल के ऊपर आना होगा, शार्पिंग को बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा प्लस रखेंगे और इसका कलर नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा प्लस कर दीजिए एंड आप लोगों को चाहते हैं तो ये वाली प्रीसेट भी आप लोगों को मिल जाएगा तो ओके तो बस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को करेंगे सॉरी सॉरी सेव का करेंगे, फोटो को करेंगे सेव एंड गाइस आप लोग